नमस्कार स्वागत है आप सभी का एनसीआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे एक मजमून पर जिसका नाम है देहात की ज़िंदगी। उर्दू की इस क्लास में नवी कक्षा के सभी छात्र हमें देख सकते हैं हमें सुन सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं पी एम ई विद्या चैनल नंबर नौ पर और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक हमें ईमेल कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास नौ ऐट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ तो आपके सवालों का आपके फोन कॉल्स का और आपके मैसेजेस का हम इंतजार करेंगे आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। स्वागत है आपका सर। आदाब। आदाब सर सर है जे भाषा शिक्षा विभाग एनसीआर नई दिल्ली से और आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो मजमून है देहात की जिंदगी उससे हम और आप आज क्या सीखने वाले हैं सर बिल्कुल आदाब सामीन और खसूसा नवी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को आज मैं आपके सामने नवाए उर्दू का एक सबक जिसका है देहात की ज़िंदगी लेकर हाजिर हुआ हूँ जिस पर हम गुफ्तु करेंगे और बातचीत करेंगे तो शुरू करते हैं सामीन सबसे पहले हम इसके लिखने वाले जो इसके मजमून निगार हैं उस पर हम कुछ गुफ्तू कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जब तक हम उस पस मंज़र से या उसके लिखने वाले की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं होते तब तक हमें मज़मून अच्छी तरह से समझ में नहीं आता तो बस थोड़ा सा हम उस पर गुफगू करते हैं कि अब्दुल हलीम शरर इसके लिखने वाले हैं इनका ताल्लुक लखनऊ से था जो लखनऊ में पैदा हुए कुछ दिनों के लिए कलकत्ता चले गए फिर वहाँ से फिर लखनऊ आ गए फिर हैदराबाद गए फिर उसके बाद लखनऊ आ गए और अपनी अदबी सरगर्मियों को इसमें ज़िंदा रखा अदबी अदबी सरगर्मियों से मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ शायरी की जो कुछ अफसाने लिखे या जो सहाफ़त की में जो मजामी लिखे ख़ास तौर से इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था दिल गुदाज। उसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ़ अखबारों में इन्होंने काम किए फिर उसके बाद बेकार के साथ ये इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर दो तीन साल रह कर वहाँ के अदबी माहौल से अपने आप को आशना किया और बहुत कुछ सीख कर फिर लखनऊ तशरीफ़ लाए और इनकी ज़िंदगी में का एक ख़ास ये है कि इन्होंने ख़ास तो तौर से तर्जुमे पर सबसे ज़्यादा तर्जुमे किए हैं और जो कुछ भी लिखा है इन्होंने वह तर्जुमों पर ज़्यादा किया है उसके अलावा इनकी इनका जो ख़ास मैदान है वो है नावल का और वह नावल जो तारीख़ी नावल है जिसका तल्लु तारीख से है तो इस तरह की बहुत सारी अदबी सरगर्मियाँ उसके अलावा इन्होंने आज़ाद नज़मों की इब्तदा की है बहुत सारी ऐसी नज़में जो आज़ाद हैं और उसके बानी कहे जाते हैं ये सबसे पहले उर्दू अदब में अगर आज़ाद नजमों की शुरुआत की बात की जाती है तो सबसे पहले हम अब्दुल हर, हर, हर अब्दुल हलीम शरर का ज़िक्र करते हैं तो ये हैं इसके राइटर तो ये है उनकी ज़िंदगी के हालात तो हम एक इस राइटर के बारे में तो हमने जान लिया है अब हम आते हैं मजमून की तरफ और मजमून कावान है देहात की ज़िंदगी तो सबसे पहले हम ये जाने कि यह देहात की ज़िंदगी मजमून क्या है और मजमून की खासियत क्या होती है तो शुरू करते हैं हम आ, अपने तलबा से हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक ए, स्लाइड है आपके सामने जिसमें हमने अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर दो चीज़ें हमने इसमें वजाहत की है अफसानवी नसर से मुराद है दास्तान नावल अफसाना ड्रामा उसके अलावा गैर अफसानवी नसर है मजमून ख़ुदनविश आप बीती सफरनामा इन तनकीद खाका मकतूब निगारी तंज़ो मज़ा रपताज़ वगैरह ये इन तमाम असनाफ से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि इससे पहले यानी सातवीं जमात में या आठवीं जमात में आप इन, इन तमाम चीज इन, ये तमाम मजामी आप पढ़ चुके हैं और इन तमाम मजामी से मतलब आप उसके असनाफ यानी उसके फ़न से उसकी जो खासियत है उसके, उसके उससे आप वाकफ़ हैं तो इस पर हम ज़्यादा गुफ्तु नहीं, नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सबक बहुत लंबा है तो हम सबक पर आते हैं बरह रास्त और हम सबक पर गुफ्तु करते हैं तो ये है मुख्तसर मज़मून है जिस पर, जिस पर हम गुफ्तु करेंगे और ये इसका है देहात की ज़िंदगी तो आइए साथियों हम देहात की ज़िंदगी पर गुतु करते हैं क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर जहाँ की आबादी ज़्यादातर देहात की ज़िंदगी पर मुशतमिल है जहाँ का एक बहुत बड़ा रकबा देहात पर मुश्तमिल है यहाँ बहुत सारी आ, आ, बहुत सारी कसरत है और वो कसरत ज़बान की है वो कसरत तहजीब की है वो माशरत की है इस ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलकर ये हमारा मुल्क बना है यही हमारे मुल्क की खासियत है कि यहाँ देहात की ज़िंदगी में मख्तल तरह के इंसान मुख्तल तरह के रंगे मुख्तलिफ़ की ज़िंदियाँ नज़र आती हैं तो हम ख़ास तौर से ज़बान के हवाले से हम इस, इस पर गुफ्तू करेंगे कि ज़बान किस तरह की इसमें इस्तेमाल की गई है जाहिर सी बात है देहात की ज़िंदगी का के मतलब हम शुरू से पढ़ते आए हैं और आगे हो सकता आगे भी पढ़ेंगे लेकिन हम उसको इस ये राइटर जो है जिन्होंने इस ये मजमून लिखा है इसको किस नज़रिए से इन्होंने देखा है और उसमें कौन सी चीज़ें बता, बताना चाहते हैं ये ये हम इसके ऊपर गुफ्तु करते हैं तो आइए तलबा हम थोड़ा सा इसका मताल करेंगे और मताल करने के बाद हम इसके बारे में गुफ्तु करेंगे तो एक पैराग्राफ है यहाँ पर यानी आप देखिए दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है गाँव के जफाकश रहने वाले सुबह के तारे हनूज झिलमिलाने भी नहीं पाते कि वो अपनी रात की राहत से उगता चुकते हैं ऐसे वक्त में नसीम के खुशगवार और नाजुक झोंके आते हैं और बड़े बड़े अदब के साथ उन्हें जगाने लगते हैं इस वक्त इनके नाज और बद सहर के न्याज देखने के काबिल होते हैं सुबह की हवा नहायत शगुफ्तगी के साथ जगाती है और वो नहीं जागते सिर्फ करवटें बदल बदल कर रह जाते हैं बाद सहरियों बद सहर यूँ ही इसरार करती हुई है कर, इसरार करती है कि सुबह के नकीब मुर्गाने शहर उठते हैं और उन्हें उठाते हैं तो देखिए एक एक मंजर बयान किया गया है कि सुबह के वक्त जो देहात में रहते हैं जो ख़ास तौर से मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो देहात में रहते हैं या देहात की ज़िंदगी को अपनी नज़रों से देखते हैं उस उसके माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो देखते वो महसूस करते होंगे कि सुबह के वक्त का मंज़र कैसा होता है और किस कितनी जल्दी वो उठ जाते हैं अगर हम स, शहर की ज़िंदगी से मुजना करें तो शहर की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि सुबह उठ सुबह उठने की वो वो रफ्तार या वो चहल पहल नहीं होती है जो गांव में होती है गांव में लोग तड़के ही उठ जाते हैं और उठकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और उसी उसी सुबह का एक मंजर यानी उसकी हवा के बारे में यहाँ पर गुफ्तू की गई है अब्दुल हलीम शरण ने किस अंदाज से कहा है कि यहाँ की सुबह की जो हवा नहायत शगुफगी के साथ जगाती है यानी ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसे हिचको मतलब कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उठा रही है उसे बल्कि प्यार से बहुत ही मोहब्बत से उसे जगाती है और जगाने के साथ साथ उसकी हवा, जो सब की हवा चलती है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत नाज है उसके अंदर बहुत ही मलामियत है बहुत लताफत है उसकी हवा के अंदर बहुत ही खुशी है उसमें फरहत और अम्बिस की का मादा भी मिला हुआ है तो ये सब का मंजर है उसके अलावा जो एक यहाँ पर कहा गया है कि नकीब मुर्गे शहर नकीब का मतलब है कि खबर देने वाला और मुर्गान शहर मुर् कहते हैं मुर्गे को और शहर का मतलब है सुबह का यानी सुबह के वक्त जब मुर्ग बांग देता है तो वो भी एक 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 तरह की सुबह की आमद की ख़बर देता है कि देखो गांव वालों और देखो कि यहाँ इस वक्त सब खिलकर आपके सामने आ गई तो ये एक एक पूरा मंज़र इसने इसमें बयान किया गया है कि देखिए सुबह के वक्त किस तरह का गाँव का मंजर होता है तो ये ये उस गांव की खूबसूरती या देहात की ज़िंदगी का हसन बयान किया जा रहा है उसकी उसका जमाल ये है कि उस वक्त की हवाएं जो है बहुत ही ये खुशगवार होती हैं और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं तो इसके अलावा फिर इसमें मुसनफ़ ने और बहुत सारी गुफ्तु की है कि लोग सुबह उठ फिर अपने खेत में जाते हैं वहाँ किस तरह से काम करते हैं काम करने के बाद फिर कैसे खाना खाते हैं और कितना उनके पास वक्त बच जाता है उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए एक और पैराग्राफ हमारे सामने है जिस पर हम गुफ्तु करेंगे जो ये है इसमें देखिए आखिरी पैराग्राफ है अब ये लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं अब देखिए वो अपने काम में मसरूफ हो गए हैं गांव वाले कि नेचर के जज्बात भी इन पर अपना असर नहीं डालते नहीं डाल सकते नेचर के जज्बात का मतलब यानी नेचर जो जैसे धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई है या सर्दी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है या बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा उस बारिश हो रही है तो ये तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डालते हैं बल्कि वो अपना काम बहुत ही ख़ामोशी से अंजाम देते हैं और कुदरत की बाहर भी इनकी दिल फ्रेबी करने से आजिज़ है यानी कुदरत जो कुदरती हवाएं चलती हैं वो जो कुदरती मनाजिर होते हैं ख़ासतौर से जो वो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं देहात का बहुत सारा इलाका जो पहाड़ी इलाका है उस इलाके में भी जो लोग रहते हैं तो वहाँ देखिए कितनी हसीन और आ, हसीन मंजर मंज़र होता है जिससे हम बयान नहीं कर सकते तो वहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि वो जो उस, उस माहौल में रहते हैं तो वो मंज़र उन्हें फरेब नहीं देता यानी उन्हें वो धोखा नहीं देता कि तुम हमारे मंजर में खो घो जाओ और अपना काम भूल जाओ बल्कि मुसनफ़ ने ही कहा है कि वो काम करने वाले वो अपना काम खामोशी से अंजाम दे देते हैं वो हरा हरा सब्जा जार और सुहाना समा वह सुबह की बहार व तर व ताज़ा हवा और उजली किरने ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक़ अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर खींच ले जाया करता है अब देखिए इसमें एक शहर वालों के अंदर एक तजस्स पैदा किया गया है कि शहर वाले जब ये मैं देखते हैं कि या कहीं पर भी देखते हैं कोई सीन देखते हैं कोई मंजर देखते हैं कि जहाँ पर धूप खिली हुई हो हरियाली हो या पहाड़ पर पेड़ उगे हुए हों या चारों तरफ ग्रीनरी हो तो ऐसे में दिल इंसान का खींचा चला जाता है तो एक तरह से ये भी यहाँ पर तंज किया है कि देखिए शहर वाले किस तरह से महरूम रह जाते हैं इस मंज़र से या इस ज़िंदगी से कहने के तो हम ये कहते हैं कि देहात की ज़िंदगी बहुत अजीरन होती है वहाँ पर वो खुशी नहीं होती शहर की वो सड़कें नहीं होती वो शहर का वो निज़ाम नहीं होता लेकिन ये एक एक उसकी इसका हुस्न ये भी है देहात का कि वहाँ की जो हवाएं होती हैं वहाँ का जो नज़ारा होता है बहुत दिलकश होता है और ये शहर वालों के लिए भाई से फ़ख्र होता है कि शहर वाले जब वहाँ घूमने जाते हैं तो अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम का काश की हम इस मंजर में अपने अपनी ज़िंदगी का हम बसर करते हैं तो इसी तरह से अब्दुल हलीम शरण ने बहुत सारे वाकयात को इसमें ज़िक्र किया है बहुत सारी ज़िंदगी के मुख्तलि पहलुओं को इसमें नुमाया किया है उसके अलावा इसमें ख़ास तौर से ज़बान का जो बयान है इसमें वो जो जुमले हैं जो लखनऊ लखनवी तहजीब में जो ज़बान बोली जाती थी उसके जुमले और उसके मुहावरे और उसकी तरकीब और उसके उसकी जो स्लूब है ये अब्दुलम शरण ने बहुत अच्छे अंदाज में इस सबक में बयान किया है तो लबा से मैं मेरी गुजारिश है कि एक और इसमें टुकड़ा है नसर का जिस जिस पर हम गुफ्तू करेंगे तो शुरू के पहली लाइन आप छोड़ कर देखिए दूसरी लाइन में गरीब कम क़त बैल जो शायद रिश् रसानी आलम की फ़िक्र में दुबले हो गए हैं उनके हाथों की मार खाते हैं और ज़मीन की पैदावार के काबिल बनाते चले जाते हैं ये दिखाया गया कि वहाँ के जो जानवर हैं जो जानवर खेतों में आ, हल जोत रहे हैं या जो खेत खेत की जुताई कर रहे हैं तो उनके बारे में बताया जा रहा है वो मार भी खाते हैं वो सब कुछ उनको खाना भी नहीं मिलता है वो बहुत कमज़ोर भी हैं दुबले भी हैं लेकिन वो क्या करते हैं अपना काम खामोशी से अंजाम देते हैं और ज़मीन की पैदावार को काबिल बनाते यानी ज़मीर को इस काबिल बना देते हैं कि उसके अंदर से आ, अनाज उगने लगे इसी के आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अपनी मेहनत आसान करने के लिए लोग दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाने हायत दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाने गाए कुछ गाते जाते हैं और उनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा करती जाती है तो ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा है कि जब औरतें या मर्द खेतों में कुछ काम करते हैं तो उन उस, उसके कुछ मखसूस गीत होते हैं मखसूस नगमे होते हैं जिसको वो गाते हैं और उसमें एक ख़ुशी महसूस करते हैं और अपनी ज़िंदगी को उसमें खुशगवार बनाते हैं जब वो बल्कि वो ऐसा नहीं है कि वो मजबूरी या बहुत ही उकताहट के से वो काम अंजाम देते हैं बल्कि बहुत ही खुशी से अंजाम देते हैं इसके अलावा एक और टुकड़ा हम इसमें गुफ्तू करेंगे क्योंकि इसकी ज़बान जरा मुश्किल है तो मैं तलबा से यही कहूँगा कि अगर कोई लफ्ज़ इनको उन्हें मुश्किल लगे या कोई चीज़ जो समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं अभी या बाद में भी पूछ सकते हैं तो हम एक और पैराग्राफ है दूसरा पैराग्राफ देखें जिसकी हम दूसरी लाइन में आते हैं खुलासा यह कि आफ्ताब की हालत और वज़ा में अख्तलाफ हो जाते हैं मगर ये ना थकने वाले और धुन के पक्के दहखान एक ही वज़ा और एक ही सूरत से अपना काम किए जाते हैं न मेहनत उन्हें थकाती है ना मशक्कत उन्हें माद कर मादा करती है न धूप से परेशान होते हैं न काम करने से उकताते हैं तो ये इसका जिक्र हमने पहले भी कर दिया है कि किस तरह से किसान जो है उनके ऊपर नेचर का कोई असर नहीं पड़ता यानी अगर कोई इस तरह की बारिश या धूप हो या ठंडी हो तो उनकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि वो बहुत ही मजबूत और बहुत तोाना होते हैं और बहुत ही खामोशी से अपना काम अंजाम देते हैं इस तरह से फिर आगे एक थोड़ा सा मवाजना किया गया है मुजन का मतलब थोड़ा कम्परिज़न कराया गया है कि शहर की ज़िंदगी कैसी होती है और देहात की ज़िंदगी कैसी होती है तो तलबा से मेरी गुजारिश है कि आखिरी लाइन इसमें देखें यहाँ पर कि ये वो वक्त है जिस वक्त शहर के पहर दिन चढ़े तक सोने वाले सियाकार अपनी शर्मनाक ज़िंदगी के बुरे नमूने दिखाने के दिखाने के लिए जागते हैं जाहिर नमाज ईशा पलकर सोच सो चुका है बेफिक्रे गप्पे उड़ा रहे हैं शोरा मजमून आफरीनी की फिक्र में हैं उम्रा के महफिल महलों में खाने का अहतमाम होता है बच्चे कहानियाँ सुन रहे हैं तलबा किताब पर झुके हुए हैं मशकें मैकश व प्यास बुझा बुझा रहे हैं जो कम वक्त नहीं बुझती है सियाकार बदकारी के धुन में शहर की सड़कें और गलियाँ छान रहे हैं छान रहा है और जफाकश अजब मीठी नींद में गाफिल हो गए हैं ताकि तड़के आँख खुले तो दिखाया गया है कि इसमें कि जो शहर के लोग हैं जबकि ऐसा नहीं हो ये भी हो सकता है कि शहर के लोग भी अपने आजकल के की जो ज़िंदगी है वो शहर की बहुत ही अच्छी हो गई है लोग अपने वक्त पर अपना काम अंजाम देते हैं तो इसमें एक मुजना किया गया है कि किस तरह से शहर में देर रात तक जो है लोग जगते हैं और अपने काम में मसरूफ रहते हैं और अपनी ज़रूरत की अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को वो पूरी करते हैं जबकि ये बताया गया है कि देहात की ज़िंदगी के बारे में कि वो बहुत जफाकश होते हैं वो मीठी नींद सोते हैं और तड़के ही वो उठ जाते हैं तो इस तरह से बहुत सारी पहलुओं को बया, बयान किया गया है ख़ासतौर से देहात की के ज़िंदगी के, के उन पहलुओं को जिसमें मशक्क़त है जिसमें काम है जिसमें रिस्क की, तलाश में वो अपने आप को सरगर्दा किए रहते हैं तो आइए थोड़ा सा और हम इसके ऊपर गुफ्तू करते हैं तो एक और पैराग्राफ लेते हैं इसमें इसका पहला पैराग्राफ देखें आप लोग गांव वालों की यह ये, ये बात किस कदर काबिल ज़िक्र है कि वो एक सादा सादी और बसीत हालत पर हैं इनकी किफ़ायत शारी की ज़िंदगी किस सफाई और इतमीन से गुजरती है इनकी फ़िक्रें हमारे मुकाबले में बहुत कम है वो हमारे रुपया पैसा के भी मोहताज नहीं हमारा सिक्का भी उनमें बहुत कम मुरवज है क्योंकि उनकी नज़र हर वक्त रजाक़ मुतलक की तरफ लगी रहती है इसलिए वो खुदा की बेवास्ता ज़ियाफ़तों ही से सोने का काम भी निकाल लेते हैं गल्ला और अनाज उनका सिक्का है दुनिया की हर चीज़ जो इनकी ज़रूरतें रफा कर सकती है गल्ला के एवज़ में इनको बसानी और बाकिफ़ायत मिल सकती है तो ये भी दिखाए कितने वो आ, ये ऐसा नहीं है कि वो रिस्क के पीछे या तो पैसे के पीछे भागते रहते हैं बल्कि उनको ये भी दिखाया गया है कि ये बेनयाज होते हैं इन्हें अपनी ज़िंदगी और अपनी जो जो कुछ भी ज़िंदगी जो कुछ इन्हें मिला है उसी में खुश रहते हैं उसी को अपनी दुनिया और अपनी अपना अपनी अपना कायनात समझते हैं और उसी पर इतफा करते हैं और खुदा से अब उम्मीद लगाए रहते हैं कि रिस्क का वादा तो खुदा ने किया है तो खुदा देगा तो इसलिए अब्दुल हलीम शरण ने इसमें यही बताया गया कि वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी में खुश रख रखते हैं और पैसे के पीछे और किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं भागते जिसमें उनका जिसमें वो तायश होता है जिसमें ऐश की ज़िंदगी होती है बल्कि वो उसी पर इतवा करते हैं तो आगे एक और पैराग्राफ इसका आखिरी पैराग्राफ देखते हैं हम गरीब देहातों की ये बात इस कदर काबिल है इस इस काबिल है कि हम इनसे एक कारामत सबक लें इतफाक़ इनकी कुवत है और बाहमी हमदर्दी इनका हथियार है अब देखिए ये यानी आपस में गांव में कितना इतफाक़ होता है ये इसमें दिखाया गया है कि अगर कभी कोई वाक़ा कोई हादसा अगर पेश आता है तो गाँव वाले सारे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इनकी कुवत और यही इनकी कुवत है इनका इत्तेफाक ही इनकी क़वत यानी आपस में जो मोहब्बत और जो अख़ुवत होती है इन इनके के यही इनका इनकी कुवत होती है और बाहमी हमदर्दी है इनका हथियार है अफलास और आफात समाव, समा, समावी भी कभी इनकी दुश्मन हो जाती है कभी ऐसे आ, नहीं, जिसको हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि गांव में कभी सैलाब आ गया कभी सूखा पड़ गया या कोई और ऐसी आफत आ गई तो ऐसा नहीं है कि वो भाग जाते हैं गांव छोड़कर बल्कि उसी में एक दूसरे की मदद करते हैं और इस इस पर जो है एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं मगर और आगे देखिए फिर लिखा है कि वो मगर वो इस हथियार को हथियार को लेकर उठते हैं और कामयाब होते हैं खेतों में पानी पहुंचाते वक्त वो बाहम एक दूसरे की मदद करते करते रहते हैं खेतों में बीज डालते वक्त वह एक दूसरे को गल्लफ़ कर्ज देते रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आलम की फ़िक्र अपने सर सर लेते हैं और दुनिया भर के लिए खुद मुसीबत में फंसते रहते हैं हम बेफिक्र हैं और अपनी अगराज और बकाए ज़िंदगी के इसबा भूले हुए हैं मगर हमारी तरफ से इस काम को वो पूरा करते हैं इस जफाकशी इस जफाकशी के इनाम में खुदा की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता है इसमें से ख़ुद बहुत कुछ ले, कम लेते हैं और और, और और सब हमारे हवाले कर देते हैं तो ये इसमें दिखाया है कि वो कितना ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं और कम पर इतफाक़ करते हैं और जो कुछ मिलता है ऐसा नहीं है कि सब कुछ अपने पास रख लेते हैं बल्कि वो दूसरों पर भी दूसरों को तकसीम करते हैं और कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका हम उसको भी ये हल करते हैं तो आखिर में इसमें एक दो पैराग्राफ है जो इस मजमून का हासिल है यानी हासिल मजमून कह सकते हैं हम जिसमें ये बहुत सारे पैगाम भी दिए गए हैं कि किस के इस देहात की ज़िंदगी हमारे लिए क्या सबक लेकर आई है इसकी क्या खासियत है इसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खुशगवार बना सकते हैं तो ये दो पैराग्राफ है जो इस मजमून का हासिल है इस पर हम पढ़ कर और अपनी गुफ्तगु हम फिर ख़त्म करते हैं तो पहला पैराग्राफ है कि एक किसान की ज़िंदगी पर गौर करो और इसकी सालाना मेहनत मशक्कत का अंदाज़ा करो कि किस तरह जान तोड़ कर वो अपने तई मि मिटा मिटा कर जफाकशी पर तुला रहता है और इसके बाद यह गौर करो कि वह किस लिए इस मुसीबत में पड़ता है तो मालूम होगा कि वह दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द है और हब्ब मल्क हब्ब मलक इसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है बेशक वो सारी दुनिया के लिए ये मेहनत करता है और इससे ज़्यादा नौ इंसान का दोस्त दुनिया भर में ना मिलेगा देखिए इसमें यह बताया गया है कि ये अपने लिए तो करता ही है लेकिन इसके अंदर उसके यानी पूरे इंसानियत के लिए उसके अंदर दर्द होता है और वो इंसानियत के लिए ये अनाज बोता है खेती करता है और अपनी ज़िंदगी को दुशवार बनाता है दुशार इसलिए बनाता है कि नौ नौसानी का इससे फ़ायदा हो लोग अच्छा अनाज खाएं और ये अनाज इसीलिए उगाते हैं कि नौ इंसानी का इससे भला हो जाए दूसरा पैराग्राफ है इस पर हम गौर करते हैं आए अमदर्दी कौम का लफ्ज़ बार बार जबान पर लाने वालों देखिए यहाँ पर जो है उन लोगों को मुखातिब किया गया है कि जो बार बार ये कहते हैं कि आए कौम के लोगों जो बार बार नसीहत करते रहते हैं उन्हें भी नसीहत किया गया है कि अगर अपनी कोशिशों का कुछ नतीजा देखना चाहते हो तो इन गरीब जफाकश दहकानों की पैरवी करो कौम की खेती रोज़ बरोज़ कुमलाती जाती है और चंद रोज़ में बिल्कुल सूख जाएगी तुम्हारा फ़र्ज है कि जल्दी उठो और जिस तरह हो सके अपनी राहत बेच बेच कर इन खेतों में पानी पहुँचाओ कौमी खेत के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी ना संभली तो कहीं के ना रहेंगे ना रहोगे देखिए इसमें ये बात बताई गई कि कौम की खेती कमलाने ना पाए और ये उन लोगों को नसीहत की जा रही है जो मेहनत नहीं करते हैं जो मेहनत से अपना जी चुराते हैं तो उन्हें कहा गया कि इनसे सबक सीखिए इन देहात में रहने वालों लोगों से सबक सीखिए कि अपनी ज़िंदगी को कितना ये खुशगवार बनाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं इसमें एक लफ्ज़ आया है जफाकश जफाकश कहते हैं जो बहुत ही बहादुर होते हैं और दहकानों दहकान का मतलब है किसान और जमा उसकी है दहखानों तो इनकी पैरवी करो यानी इन इनकी ज़िंदगी को हम देखें और इससे हम कुछ हासिल करें यही हम इस इस सबक का हासिल है और अब्दुल हलीम शरर ने देहात की ज़िंदगी गुजारने वालों से की ज़िंदगी को हमें बताए बताना चाहते हैं कि देखिए इस इनकी जफ़ाकशी इनकी मेहनत इनकी मशक्कत और इनकी जो ताजगी है ऐसा नहीं है कि ये मजबूरी में करते हैं बल्कि एक ताजगी और खुश के साथ अपना काम अंजाम देते हैं तो हम भी अपनी ज़िंदगी को अपना काम इसी तरह से अंजाम दें तभी हमारा मुल्क तभी हमारी कौम तभी यहाँ के लोग खुशहाल रह सकते हैं और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कारगर बना सकते हैं जी। सर ये जो कहानी थी देहात की जिंदगी मजमून था और आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया अगर इससे जुड़ी कुछ एक्सरसाइजेज़ कुछ एक्टिविटीज़ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो वो घर बैठे कर सकें बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है ये है इसमें पहली बात तो यह है कि गौर करने की बात है पहली बात तो अगर आप इसे पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसमें बताई हैं वो भी आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं या कौन सी बातें और इस पर हम गौर कर सकते हैं तो इसमें है कि शहरी ज़िंदगी के मुकाबले में गाँव की ज़िंदगी माहौलियाती आलूदगी से पाक होती है तो कि बहुत अच्छी आजकल ये सबसे अहम मौजू बना हुआ है कि माहौल की आलूदगी हर जगह जो है पॉल्यूशन है ऐसे माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस आप ख़ास तौर से इस कोरोना के दौर में कि हम हर तरफ़ वायरस का ऐसा वो माहौल फैला वबा फैली हुई है कि महफूज रखना बहुत मुश्किल है अपने आप को तो ये ये भी दिखाया गया है कि हम इससे अगर मुवजना करें तो देहात की ज़िंदगी से शहर की ज़िंदगी कितनी जो है क्या फ़र्क है इसमें इस पर भी अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये बहुत अच्छा टॉपिक है या बहुत अच्छा मजमून है और इस पर आप ज़रूर लिखिए मैं तो कहता हूँ यही आजकल का टॉपिक है और बहुत ही बर्निंग इशू है इस वक्त है और इस पर लिखने की सख्त ज़रूरत है और लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर फितरी माहौल में ज़िंदगी बसर करते हैं और ये, ये अच्छा ये भी बहुत अहम बात बताई गई है कि तौर से अभी जो जब लॉकडाउन हुआ था तो उस, उसमें हमने देखा कि इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे किस तरह से एक दूसरे के साथ थे और बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया तो ये बहुत अच्छा मजमून है ये हालात के मुताबिक है और इसके ऊपर लिखने की बहुत ज़रूरत है ख़ासतौर से मैं उन बच्चों से भी कहूँगा जो इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या जो अगली क्लास में है कि इस मज़मून को बहुत ही गहराई से पढ़िए बहुत बारीकी से पढ़िए और इसे पढ़ एक नतीजा निकालिए कि आज की ज़िंदगी हमसे कितना क्या हमसे मुतालबा करती है आज आज की ज़िंदगी कितना हमसे डिमांड करती है कि क्या हमें चाहिए हम किस माहौल में रह रहे हैं और अपने माहौल को कितना हम खुशगवार बनाएँ वहाँ के उसको पॉल्यूशन को फ्री करें और आलूगी से हम दूर रहें अपने आस के इलाकों को साफ सुथरा रखें और अपने आप अपने आप को भी हम साफ़ सुथरा रखें यही इस इस सबक का पैगाम है और इसे लिखने की ज़रूरत है लिखने के साथ साथ इस इस बहुत सारी चीज़ें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी चार्ट्स हैं बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो आजकल आप देखते होंगे मीडिया पर सोशल मीडिया पर तो इसका इस्तेमाल कर कर आम हम, हम बहुत सारे एक, एक प्रोजेक्ट के के रूप में भी हम इसको बना सकते हैं और अगला फिर एक है इसमें देहात के माहौल में फितरत अपनी तमाम तर खूबियों के साथ जलवागर नज़र आती है तो एक काम बहुत अहम काम ये करने का है कि देहात की ज़िंदगी को हम मुख्तलिफ तस्वीरों के ज़रिए से बयान कर सकते हैं कि वहाँ किस तरह के का मंज़र होता है उसके अलावा सादगी जफ़ाकशी इंसानी हमदर्दी आपसी भाईचारा और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा यही देही ज़िंदगी की अहम खसूसियत हैं ये बारे ये सब बातें इसमें बताई जा चुकी हैं उसके अलावा एक और काम है इसमें किसान दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए सख्त मेहनत और तो मशक्क़त करते हैं मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार होता है तो इस पर भी हम मजमून जो है बहुत आ, आराम से लिख सकते हैं उसके अलावा कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है कि देहात के रहने वाले ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ उठाते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं शहर के मुकाबले में गांव की ज़िंदगी किस तरह मुख्तफ होती है इसके बारे में भी बताया गया है ये छोटे छोटे से सवाल हैं जिसको आप एक मजमून की शक्ल में लिख सकते हैं उसके अलावा तीसरा सवाल है कि देही ज़िंदगी की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनसे कौमों और मुल्कों की तरक्की वस्ता है ये बहुत अहम सवाल है कि हमारी ज़िंदगी कि वो कौन सी कौन सा राज है जिसकी जो जिस पर हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है या जिसको हम करके हम अपनी ज़िंदगी को बे, और बेहतर बना सकते हैं जी तो सर ये सब सवाल हम दर, दर्शकों को दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो हमें जवाब लिख कर हैं दें ईमेल करते हैं ताकि हमें भी पता चले कि उन्हें ये मजमून बहुत पसंद आया बिल्कुल बहु, बहुत अच्छी बात है कि अगर, अगर वो तलबा लिखते हैं तो मुझे तो ज़ाहिर बात बहुत खुशी होगी और अगर कोई परेशानी होती है तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से उसका सहारा ले सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से मदद ले सकते हैं बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आप यहाँ पे आए और हमारा ताल्लुक करवाया देहात की ज़िंदगी एक मजबूत से शुक्रिया 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 सभी दर्शकों का भी अगर आपने ये मजमून नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आजकल की ज़िंदगी से आप इसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आप समझ पाएंगे कि ये उस ज़माने में लिखा गया था लेकिन आज भी हम इसे जान सकते हैं इसी तरह हमारे पास एक और अगला सेशन है साइंस का जिसमें हम टिश्यूज़ पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट बातचीत करेंगे तो आप अपने सवाल तैयार रखिए और हमें भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर जो कि है डी टी एच डॉट क्लास नाइन ऐट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन अपना ध्यान रखिएगा और एन के ऑनलाइन रिसोर्स मटीरियल को देखते रहिए नमस्कार